और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको सीधे सुनवाते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं इस वक्त। संख्या बहुत कम होगी जो केवल कोरोना की बीमारी के लिए अस्पताल में आए, मोस्टली इनमें ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इंसिडेंटली उनको कोरोना है। तो दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है, अगर बड़ी संख्या में केसेस बढ़ते भी हैं, लेकिन केसेस का नंबर बढ़ रहा है, केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर लोग मरीज कम भर्ती हो रहे हैं। अस्पतालों के तौर पे हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन कुदरत की कृपा है कि हम अभी इस वक्त लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही और डेथ्स भी इस बार बहुत कम है। अरविंद, कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने चिट्ठी लिखी है और तैयार करने को आईसीयू सब दिल्ली की व्यवस्था क्या है, क्योंकि उस लिहाज से भी अगर देखें तो उनका कहना है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी जरूरत पड़े, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, जरूरत पड़ेगी तो हमारी तैयारी 37,000 बेड्स तक तैयार वो करने की है। हमने अभी तक 37,000 सारी अपनी कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स तक तैयार करके 10,000-11,000 आईसीयूज हम दिल्ली में तैयार कर सकते हैं, लेकिन अभी उतनी जरूरत पड़ नहीं रही है। एक सवाल और है अरविंद, जैसे आपने खुद ने कहा कि 136 में से 130 मरीज वो हैं जो कोमॉर्बिड हैं और कोमॉर्बिड होने के बाद उनको इन्फेक्शन यहाँ मिला, तो ऐसे में मौत भी उन्हीं लोगों की ज्यादा हुई है, तो उसके लिए स्पेशली कुछ आप लोगों ने इंतजाम किया है, क्योंकि आज ऑर्डर भी निकाला है आप लोगों ने? नहीं, मैंने वही कहा कि वो लोग किसी और बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए आए थे और इंसिडेंटली उनको कोरोना भी मिला, तो वो जिस भी बीमारी का इलाज कराने के लिए आए थे उस बीमारी का इलाज तो हम कर ही रहे हैं। मान लीजिए कोई कैंसर का इलाज कराने आया, उनका कैंसर का भी इलाज चल रहा है और कोरोना का भी इलाज चल रहा है। वो मान लीजिए किसी का फ्रैक्चर था वो कराने आए, हार्ट की प्रॉब्लम थी वो कराने आए, उसका तो इलाज चल ही रहा है, अस्पताल हमारे पूरी तरह से इक्विप्ड है उस बारे में। सर, लेकिन उन लोगों को निश्चिंत करा जाएंगे, क्योंकि जब आपने ये नए आदेश पाबंदियां लगाई हैं, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं तो पाबंदियां लगनी ही थी, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सोच रहे हैं कि वो बेरोजगार हो जाएंगे, पलायन जैसी स्थिति के लिए? मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत 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 मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोजगार पे बनी हुई है, अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोजगार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रिस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे और कम से कम समय में और कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। लगता है दिल्ली में कोविड की पीक आ चुकी है या तब तक आप एक्सपेक्ट करें, क्योंकि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 50,000-60,000 पीक के टाइम पे आएंगे, आपको क्या जानकारी मिली है? कोई भी कुछ कह नहीं सकता, मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पिछले 3 दिन से मामले जो हैं दिल्ली के अंदर ये लगभग 20,000 के करीब, मेरे ख्याल से पहले दिन 22,000 आए थे 3 दिन पहले, कल शायद 19,000 आए थे, आज जो शाम की रिपोर्ट आएगी उसमें 20,000 के करीब आएंगे, तो 20-22,000 के करीब मामले और 24-25% के आसपास पॉजिटिविटी रेट पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ेंगे नहीं, बढ़ भी सकते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं, देखते हैं, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन हम सारी इवेंचुअलिटीज के लिए तैयार हैं। ये क्योंकि मैं जो बात सवाल में पूछा था, उसमें लोगों का ये डर है कि कहीं अब आप इस हफ्ते या एज ए लॉकडाउन नहीं लगा रहे, चिंता मत कीजिए। ये भी बात सामने आ रही है कि दिल्ली में तो रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आसपास की जो यूनिट है क्या? ये मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा, DDMA की बैठक में भी जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के अंदर केवल रेस्ट्रिक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरे NCR को कवर करना पड़ेगा, और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो पूरे NCR के अंदर इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस को करवाएंगे। थैंक यू। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि